हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम शर्मा। तो आज मैं बनाने जा रही हूं मार्केट जैसे फूले फूले भटूरे। भटूरे बनाने के लिए यहां पे लिए मैंने 1 किलो मैदा। ये देख लीजिए, मैंने लिए राजधानी की मैदा और यहां पे लिया है मैंने सोडा की 2 बॉटल। तो अब हम भटूरे का जो आटा है वो गूंदना स्टार्ट करते हैं। और जिस ट्रिक से मैं भटूरे बना रही हूँ, अगर आप इस ट्रिक से भटूरे बनाएंगे तो आपके जो भटूरे हैं वो एकदम फूले फूले बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो चलिए भटूरे का आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लिए मैंने एक परात और इसके अंदर मैं डालूंगी ये मैदा। तो दोनों पैकेट मैदा मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इसमें डालूंगी मैं ये आधा चम्मच नमक। नमक लिया है मैंने आधा चम्मच के करीब, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दूंगी इसको। और यहाँ पे लिए मैंने आधा चम्मच अजवाइन। इसको हम हाथ से क्रश करके इसमें डालेंगे। तो हाथ से क्रश करके मैं अजवाइन इसके अंदर डालूंगी। अजवाइन से जो हमारे भटूरे हैं उनका जो टेस्ट है वो इनहेंस होगा। अब जो है वो है मेन, तो भटूरे का आटा गूंदने की यह है मेन ट्रिक। यहाँ पे लिए हमने ये सोडा की बॉटल और इसी से हम आटा गूंदेंगे। बिल्कुल पानी का कोई यूज नहीं करेंगे, किसी भी चीज का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। बस ये सोडा की बॉटल से हम ये जो अपना आटा है इसको गूंदेंगे। तो ये बॉटल मैंने खोल ली है और मैं धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और अपना आटा गूंदती जाऊंगी। तो देखिए आटा जो है आपको वो बहुत अच्छे से गूंदना है, बहुत मेहनत से गूंदना है और काफी देर तक इसको इस तरीके से गूंदना है, मथना है इसको अच्छे से इस तरीके से। तो बार बार ऐसे मथते जाना है। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हींग। मुझे ध्यान नहीं रहा था डालना, पर हींग जरूर डालना चाहिए। हींग से जो है डाइजेस्ट सही तरीके से हो जाते हैं जो भटूरे हैं हमारे। तो वैसे तो मैंने वो डाली थी अजवाइन, अजवाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, पर आप लोग शुरू में ही डाल देना इसमें हींग, मुझे ध्यान नहीं रहा। और इसको इतने अच्छे तरीके से मथना है, कम से कम इसको 15-20 मिनट अच्छे तरीके से गूंदना है। और इस ये आटा हमें सख्त नहीं गूंदना, थोड़ा मुलायम ही गूंदना है। तो देखिए आटा जो है वो मैंने गूंद लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन जो टेस्ट आएगा, जो फूले फूले भटूरे बनेंगे उसका टेस्ट ये लोग होगा बिल्कुल मार्केट जैसा। तो बिना मेहनत के तो कोई काम होता नहीं है, तो मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो। तो चलिए अब हम इसे किसी भी गीले कपड़े से ढक के 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे और 2 घंटे बाद हम अपने भटूरे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम अपना जो भटूरे का आटा है वो देख लेते हैं। तो देखिए कितना फूल गया है हमारा भटूरे का आटा, फूल के कितना ज्यादा हो गया है। तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको एक बार फिर से इस तरीके से मथ लूंगी दोबारा से। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके अंदर अपने भटूरे डालेंगे। यहाँ पे देखिए आटा तैयार है भटूरे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो अपना काउंटर टॉप है उसे अच्छे से साफ कर लिया है और अब मैं यहाँ थोड़ा सा आटा लूंगी इस तरीके से और अपने हाथों में थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूंगी ऐसे, जिससे कि आटा हमारे हाथ पे ना चिपके। और इस तरीके से आटा लेकर के मैं इसका भटूरा बनाऊंगी। तो ऐसे लंबी शेप में मैं इसको बेलूंगी इस तरीके से। तो देखिए कितना फूला फूला भटूरा बना है एकदम। तो यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा ये मैदा का आटा और क्योंकि ये चिपके ना इससे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा करके अब मैं इसका जो भटूरा है वो बनाऊंगी, वो बेलूंगी। तो लंबी शेप में हम बेलेंगे इसको इस तरीके से, ऐसे बेलना है इसको।
अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। ये देखिए बन गया हमारा भटूरा फूला फूला, तो एकदम फूले फूले भटूरे आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आ रही फूला फूला भटूरा, देखिए भटूरा कितना सॉफ्ट और अच्छा बना, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बना है। तो भटूरे जो हैं वो बन चुके हैं और देखिए कितना फूला फूला भटूरा बना है एकदम बैलून की तरह। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बाजार जैसे भटूरे बना सकते हैं घर पे, और ये बहुत खाने में बहुत टेस्टी और एकदम मुलायम बने हैं। और अब हम इन्हें अपने छोलों के साथ इंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरी भटूरे की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।